कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इस बार एक ही क्वेश्चन आया लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इस इन दिस क्वेश्चन आई यू पी एस सी नेम इज गिवन एंड इन द फोर ऑप्शन स्ट्रक्चर्स आर गिवन क्वेश्चन इज डाई ब्रोमाइडो बिस इथाइलिन डाइमाइन क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड दिस आई यू पी एस सी नेम ऑफ विच स्ट्रक्चर तो जैसे इसका बिल्कुल हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और सबसे पहले मेटल को लिख दिया क्रोमियम अब सिक्वेंशियल इसमें लिखा जाता है तो डाइब्रोमाइडो मीन दो बार ब्रोमीन बी आर टू एंड बिस यानी दो बार इथाइल इथाइलिन डाइए हो गया ई एन होल तो डाई ब्रोमाइडो बिस इथाइलिन डाइए एंड ब्रोमाइड तो इन द आइनाइजेशन स्फीयर बी आर प्रेजेंट बिकॉज हियर क्रोमियम इन प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट सो Minus 2 from here and minus 1 from here, it is present in plus 3 oxygen state. This is structure present in the option number 3. So, answer is third. Question number 77: chemical bonding say hydrogen bonding say applications. In this question, पेरा एंड मेटा नाइट्रोफिनोल थियोरिटिकल क्वेश्चन है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्वेश्चन है पेरा एंड मेटा नाइट्रोफिनोल तो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल डिजोल्व नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि पेरा और मेरेटा नाइट्रोफिनोल वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं इसलिए डिजॉल्व हो जाता है जबकि नाइट्रोफिनोल में जब अपन इसका स्ट्रक्चर देखें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल it is unable to form hydrogen bonding with water so it is insoluble which is present on the option number 3 so answer for this question is